आप सभी को नमस्कार। हम नियमित रूप से पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जो भी मैं आपको वीडियो भेजता हूं, आप उस वीडियो को देखें और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की है कई छात्राओं ने। अब हम आगे बात करते हैं कि जब आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आगे कलर करने की जरूरत रहती है पोर्ट्रेट में। और अब हम पोर्ट्रेट में कलर कैसे करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं आज। नेक्स्ट मैं आपको कलर कैसे करते हैं उसका वीडियो भेजूंगा। कलर जो रंग है, वो रंग एक पोस्टर कलर है, एक वाटर कलर है और ऑयल कलर है। तीन कलर मोस्टली आपने देखा होगा हम यूज करते हैं, शायद वो कंपोजिशन हो और शायद पोर्ट्रेट हो, डिजाइन हो। लेकिन यहां पर हम जो कलर यूज करेंगे वो वाटर कलर यूज करेंगे, जल रंगों का उपयोग करेंगे। जल रंग से पोर्ट्रेट कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो वाटर कलर से पोर्ट्रेट बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट रहता है। लेकिन इसमें जो रियलिटी और जो टेक्निक है इसकी, ये ऑयल कलर से बिल्कुल भिन्न है। देखिए, ऑयल कलर जब हम करते हैं तो ऑयल कलर के ऊपर एक के बाद दूसरी परत हम चढ़ा सकते हैं। जैसे भी एक परत चढ़ा दी, उसके बाद में वो सूखता है, सूखने के बाद हम दूसरी भी उसके ऊपर लेयर चढ़ा सकते हैं, या अगर थोड़ा बहुत गीला भी है तो उसमें मिक्सिंग की जा सकती है। लेकिन वाटर कलर का एक नेचर अलग तरीके का है, उसकी प्रकृति अलग तरीके की है, क्योंकि वो कलर एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है, उसका पिगमेंट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक कलर चढ़ाने के बाद हम जो है दूसरा कलर उसके ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। ये जरूरी है कि अगर आप उसको पानी के साथ, बहाव के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका उपयोग करते हैं, अगर आपने उसी कलर की टोन को अगर हल्का दोबारा ऊपर लगा दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये कलर चेंज करके उसके ऊपर दूसरा कलर लगा देते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा और आपका कलर जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो गंदा हो जाएगा। वाटर कलर में आप प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले हमें शीट को भिगोना पड़ता है, शीट को गीली करनी पड़ती है। गीली करने के बाद पहले से ऑलरेडी हमारा ड्राइंग किया हुआ होता ही है, फिर उसको हम गीला करते हैं। गीला करने का मकसद यहाँ ये होता है कि शीट में कलर जो है बहुत इजीली फैल जाए, उसके धब्बा नहीं बने। वाटर कलर अगर आपने शीट बिना भिगोए अगर आप करते हैं तो उस जगह एक धब्बा बन जाता, कलर ऑब्जर्व हो जाता है। अगर हम पानी से उस शीट को भिगो देते हैं, ब्रश के द्वारा भिगो सकते हैं हम उसको, भिगो के पानी से, और फिर हम जहां जहां जैसे कलर की आवश्यकता है उस जगह हमें वही कलर लगाना होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें तीन परत में या तीन लेयर में हम वाटर कलर से करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुत हल्की लाइट कलर की जो है लहर चढ़ती है, जैसा कलर है, माना कि हमारा जो है पोर्ट्रेट बनता है ओकर कलर से बनता है, तो ओकर कलर की बहुत हल्की सी टोन में हम पानी लगा के उस पर फैलाएंगे। फिर दूसरी लेंगे तो हम उस जगह लेंगे, वो स्पेस लेंगे जो साइड का पोर्शन है या जिसपे लाइट कम पड़ती है, यानी वो डार्क स्पेस है, मीडियम डार्क स्पेस है, उस पर हम सेकेंड कलर लेंगे। और थर्ड हम वहां लेंगे जहाँ ज्यादा डार्क स्पेस है, जैसे हमारी आंखों के आसपास का है या एकदम साइड का पोर्शन है, जहां ज्यादा डेप्थ दिखानी है वहां पर हम उसी कलर की टोन को डार्क करते जाएंगे। ऐसा नहीं हम दूसरा किसी कलर को ले लिया, नहीं, जो टोन हम ले रहे उसको हम धीरे धीरे डार्क करते जाएंगे। जैसे उसके अंदर ग्रीन और रेड को मिक्स करते जाएंगे ओकर में, तो वो धीरे धीरे डार्क होती जाएगी। तो आप ओकर के अंदर डार्क और ग्रीन या फिर ब्लू कलर मिला के और उसकी टोन को हम बढ़ा सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, और उसी का ही हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में हमने एक ये भी देखा है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि सीधा जैसे बाल है, इन बाल में डायरेक्ट जो है ब्लैक कलर का यूज करते हैं, जबकि ब्लैक कलर का कहीं यूज नहीं करना है पोर्ट्रेट में, क्योंकि ब्लैक कलर कभी नहीं होता है। अगर आपकी जो भौहें या आपके बाल हैं
ये ब्लैक नहीं है, ये इनकी मात्रा जब मिल जाती है आपस में तो इसका जो इफेक्ट आता है वो ब्लैक आता है। इसमें अगर आपको मुंह बनाने हैं या बाल बनाने हैं, भुए बनाने हैं तो आपको, या मूछें बनानी है तो इसमें आप ओकर, ओकर के अंदर रेड, रेड के अंदर ग्रीन, रेड ग्रीन या मेजेंटा के अंदर ग्रीन मिला दोगे तो आपका डार्क कलर बन जाएगा, ब्लैक कलर का यूज नहीं करना। तो इस तरीके से ये एक टेक्निक है। आज हमने जो है वाटर कलर के ऊपर कुछ मैंने आपको बताया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर और जानकारी की आवश्यकता लगती है तो आप चर्चा कर सकते हैं, और वाटर कलर कैसे करते हैं प्रैक्टिकली जो आपको बताना है वो मैं बाद में बताऊंगा। एक बार इस तरीके की थ्योरेटिकल बात आपको बताना आवश्यक होता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा जो की है, और कल एक बार हम ऑयल कलर के ऊपर चर्चा करेंगे सेपरेट, कि ऑयल कलर का नेचर क्या है और ऑयल कलर की क्या टेंडेंसी है और उसका यूज किस तरीके से किया जा सकता है। वाटर कलर का आप बहुत अच्छा रियलिस्टिक इफेक्ट ला सकते हैं। अगर आपकी मास्टरी अगर हो जाती है वाटर कलर पे तो आप बहुत ही कम समय में आधा घंटा या एक घंटे में, आधे घंटे में आप एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपकी ड्राइंग स्टडी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने जो ड्रॉ किया है ऑलरेडी वो अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर आपने बिना समझे अगर किया है, या आपको डेप्थ का या 3D इफेक्ट का अगर आपको पता नहीं है तो आपको कलर भरने में अवश्य दिक्कत होगी। इसलिए आपको 3D इफेक्ट पोर्ट्रेट में किस तरीके से है वो ड्राइंग के माध्यम से आपको लाना होगा, उसके बाद में आप अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। आज हम यहीं, कल के लिए हम ऑयल कलर के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।